प्रभास और अमिताभ बच्चन की फिल्म कल्कि 2898 एडी का तीसरा हफ्ता चल रहा है और तीन ही हफ्ते में ये फिल्म टॉप फिल्मों को टक्कर दे रही है। जहां बुधवार को मुहर्रम की छुट्टी का फिल्म को भरपूर फायदा मिला, वहीं गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की तबीयत थोड़ी ढीली दिखी। फिल्म की कमाई में कमी जरूर आई है, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म मजबूत साबित हो चुकी है। हालांकि गुरुवार के बाद का दिन इस फिल्म के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। दरअसल विक्की कौशल, एमी विर्क और तृप्ति डिमरी की फिल्म बैड न्यूज शुक्रवार को ही रिलीज हुई है, ऐसे में ये दिन फिल्म पर भारी पड़ सकता है। जवान के 22 दिनों के कलेक्शन से काफी आगे कल्कि 2898 एडी, हालांकि इस फिल्म को अभी भी जवान को खिसकाकर चौथे नंबर पर पहुंचने में अभी मेहनत करनी होगी। हालांकि कमाई पर नजर डालें तो जवान ने 8 वीक में 640 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं जवान ने 22 दिनों में 581 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म जवान के कलेक्शन से पार हो चुकी है, जबकि कल्कि ने 22 दिनों में 599.20 करोड़ की कमाई कर ली है। अभी भी पांचवें नंबर पर कल्कि 2898 एडी, वहीं इंडियन टॉप फिल्मों में अब तक बाहुबली 1030.42 करोड़, KGF 2 859.7 करोड़, RRR 782.2 करोड़, जवान 640 करोड़ जैसी फिल्में कल्कि 2898 एडी से आगे है। सेक्रिनल की रिपोर्ट के मुताबिक कल्कि ने 22वें दिन महज 2.75 करोड़ की ही कमाई कर पाई। नाग अश्विन निर्देशित ये फिल्म अब तक देश भर में 599.20 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड आंकड़े की बात करें तो 22 दिनों में फिल्म करीब 975 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। फिल्म ने 21 दिनों में 970 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया था। वहीं विदेश में फिल्म 264 करोड़ के आसपास की कमाई कर चुकी है।